हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे स्ट्रेट पाकिस्तानी नेहरू शलवार की कटिंग स्टिचिंग, जिसमें हमने कुछ इस तरह से बेल्ट बनाई है। सो इस शलवार का जो मेन पार्ट है वो बेल्ट है, एंड इस शलवार को कुछ लोग खड़ी शलवार भी बोलते हैं, क्योंकि ये 2 मीटर में बिना कलियों के साथ बनती है और ये सीधी सीधी रहती है। आजकल ये शलवार बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। सो अगर आपके पास 2 मीटर फैब्रिक है तो आप ये शलवार बना सकते हैं। इस शलवार के ऊपर मैंने कुर्ती के फैब्रिक से डिज़ाइनिंग की है। वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ लाइक करके शेयर कर दें, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अब देखिए, ये शलवार का जो मेजरमेंट है वो आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके बाद इस शलवार को बनाने के लिए हमें सिर्फ 2 मीटर फैब्रिक की ज़रूरत होगी, और साथ में हमें कैनवास पट्टी और इलास्टिक की ज़रूरत होगी, जिसमें हम बेल्ट बनाएंगे। फ्रंट में पेस्टिंग कैनवास और बैक में इलास्टिक डालेंगे। इसके बाद देखिए, हमने इसकी कटिंग करनी है। तो 2 मीटर फैब्रिक को पहले किनारे वाले साइड से डबल किया, इसके बाद हमने इसको 4 फोल्ड कर लेना है। बंद वाली साइड हमने अपनी तरफ रखनी है। अब लेंथ लेने के लिए हम अपनी इलास्टिक की चौड़ाई ले लेंगे। मेरे पास 1.25 इंच चौड़ी इलास्टिक है, आप 1.5 से 2 इंच चौड़ी इलास्टिक भी ले सकते हैं। तो जितनी भी चौड़ी हमारी इलास्टिक होगी उतना ही हम यहाँ से ऊपर निकाल कर रखेंगे, ये हमारी बेल्ट की चौड़ाई रहेगी। इसके बाद हमने शलवार की जो लेंथ लेनी है वो यहाँ पर रेडी लेंथ पर मार्क कर लेंगे। तो मैं 38 के लिए बना रही हूँ, तो पहले मैंने 38 पर मार्क किया। इसके बाद 1 इंच हम इसमें और ऐड कर लेंगे मार्जिन के लिए। 1/2 इंच नीचे मोरी से जाएगा और 1/2 इंच बेल्ट के साथ जाएगा, तो टोटल हमारा 1 इंच मार्जिन में चला जाएगा। तो देखिए, मेरा ये फिर से 38 इंच हो गया है। अब यहाँ से हमने देखिए, ये हमारा फैब्रिक की चौड़ाई है 21.5 इंच। तो इस शलवार में कपड़े की चौड़ाई ज़्यादा की ज़रूरत नहीं होती, 40 से 44 इंच के अरस का कपड़ा आप ले सकते हैं। अब इस वाले मार्क को मैं सीधा कर लूँगी। इसके बाद हमने इसी मार्क से अपनी मोरी की चौड़ाई लेनी है। तो इसमें मोरी भी थोड़ी चौड़ी रहती है, यानी बड़ी रहती है, तो मैं 8 इंच ले रही हूँ और आगे की तरफ 1.5 इंच मार्जिन का लूँगी। आप मोरी की चौड़ाई 7 इंच तक ले सकते हैं। इसके बाद हमने यहाँ से क्रॉच बनाना है। तो क्रॉच के लिए फिर से मैं 1/2 इंच ऊपर की तरफ निकालूंगी, क्योंकि 1/2 इंच चौड़ी हमारी बेल्ट बनेगी, और टोटल मैं क्रॉच की लेंथ 15 इंच पर मार्क करूंगी। 1 इंच इसमें से चला जाएगा, तो 14 इंच यानी 14 इंच पर जो हमारा क्रॉच है वो रेडी होगा। अब इन दोनों पॉइंट को इंची टेप की हेल्प से इस तरह से तिरछा करके मिला देंगे। सो सभी के पास लेग शेपर नहीं होता, तो मैं इंची टेप से बता रही हूँ। अब यहाँ से हमने हल्की सी गोलाई अंदर की तरफ देनी है इस तरह से। इसके बाद हमने यहाँ से इंची टेप रखना है और इसको जो लाइन है वो बिल्कुल सीधी कर देनी है, ये वाली। सो इंची टेप से भी आप इस तरह से मार्किंग कर सकते हैं। अब हमने देखिए, अंदर की तरफ लगभग 2.5 इंच पर मार्क करना है। अगर आपका साइज़ ज़्यादा है मेरे मेजरमेंट के हिसाब से, तो आप 3 इंच तक ले सकते हैं। ऊपर भी हम 2.5 इंच मार्क करके और ये एक बॉक्स बना लेंगे। अब हमने इस बॉक्स में कर्व शेप देनी है, तो ये गोलाई हल्के से इस तरह से देंगे। तो इसी के साथ हमारी शलवार की मार्किंग हो चुकी है। इसके बाद हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। तो लीजिए, कटिंग करने के बाद ये ऊपर जो हमारी फोल्ड वाली साइड है इसको भी कट कर लेंगे। कट करने के बाद हमारा जो ऊपर की साइड से ये फैब्रिक बचा है, इससे हम मोरी के लिए और बेल्ट के लिए फैब्रिक निकाल लेंगे। अब यहाँ से हम सेंटर का एक नॉच लगाएंगे। ये सिलाई करने के लिए अब हमने इसको ओपन करना है और इसके क्रॉस सिलने हैं। तो देखिए, एक पार्ट को हम ऊपर की तरफ रखेंगे, इसकी ये सीधी साइड, और इसके ऊपर अब हमने दूसरा पार्ट रख लेना है। दोनों की राइट साइड अंदर की तरफ रखनी है। अब सिंपली हमने क्रॉच के साइड से 1/2 इंच का दबाव लेकर ये दोनों क्रॉच को सिल देना है। इसके बाद जो लोग इस तरह से क्रॉच पसंद नहीं करते, मियानी पहनना पसंद करते हैं, तो वो लोगों के लिए मैं बता रही हूँ। ये देखिए, हमने फैब्रिक लिया है बचा हुआ। पहले हमने इसमें से बेल्ट के लिए फैब्रिक निकाल लिया था, और बचे हुए फैब्रिक से मैं मियानी कट कर रही हूँ। चौड़ाई इसकी नीचे से मैंने 3.5 इंच ली है और लंबाई लगभग 13 इंच। अब नीचे से गोलाई देकर इसको ऊपर से तिरछा कट कर लेंगे। मियानी कट करने के बाद इसको सिलना कैसे है वो देख लेते हैं। सो गाइज, मियानी सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो लोग मुझसे मियानी लगाने की रिक्वेस्ट करते हैं। अगर आप मियानी नहीं लगाना चाहते तो ये मियानी वाला पार्ट स्किप कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, मियानी को सिंपली हम यहाँ रखेंगे और 1/2 इंच का दबाव लेकर इस साइड से सिल देंगे, और दूसरी मियानी भी हम इसी वाले पार्ट में लगाएंगे। दोनों मियानी एक ही पार्ट में लगाने के बाद हमने दूसरा वाला पार्ट इसके ऊपर रखना है, और इसमें साइड से हमने ये जो मियानी है अब ये वाला क्रॉच इसके साथ सिल देंगे, और इसी तरह से ये वाली साइड भी सिलेंगे। तो लीजिए, इस तरह से हमारी मियानी भी लग चुकी है। अब इसको हमने इस तरह से रख लेना है।
इसके बाद हमने इसकी बेल्ट लगानी है। तो बेल्ट लगाने के लिए जो हमने पट्टियाँ कट की थी वो मैंने 3 पट्टी एक साथ सी ली हैं और 1 पट्टी को सिंगल रखा है। अब पट्टी को इस तरह से रखेंगे और यहाँ से 1/2 इंच बाहर की तरफ निकालते हुए बराबर इसकी लेंथ लेंगे और इस साइड से भी हम 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेकर कट कर देंगे। तो ये वाली जो पट्टी आएगी ये हमारी बैक साइड के लिए रहेगी और ये हमारी फ्रंट के लिए। तो बैक की जो लेंथ है वो मैंने 38 इंच ली है और इसकी जो चौड़ाई है वो 3.5 इंच है और 3.5 चौड़ाई हमने इसकी ली है। दोनों की चौड़ाई बराबर रहेगी, बस लेंथ कम ज़्यादा रहेगी। तो इसकी जो लेंथ है वो मैंने 17 इंच ली है। वो कैसे ली है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए ये कैनवास और इलास्टिक है, तो यहाँ पर हमने अपनी कमर की गोलाई लेनी है। जहाँ भी हम शलवार बांधते हैं उस वाले एरिया की गोलाई लेकर हमने हाफ़ कर लेना है। जैसे मैं 34 कमर के लिए बना रही हूँ तो मैंने हाफ़ किया जो हो गया 17 इंच। आपकी कमर का साइज़ कुछ भी हो सकता है, तो जो भी कमर का साइज़ होगा बस उसको हाफ़ करना है। हाफ़ करने के बाद हम उसमें 1.5 इंच प्लस कर लेंगे मार्जिन के लिए। दोनों साइड से लगभग 0.5 से 1.75 इंच हमारा दबाव में जाएगा। तो मैंने इसको 18.5 इंच के लेंथ पर कट किया है। पट्टी और कैनवास की लेंथ बराबर है और पट्टी की जो चौड़ाई है वो मैंने 3.5 इंच ली है। अब लास्टिक की लंबाई कितनी लेनी है वो देख लेते हैं। तो देखिए फिर से हम अपनी कमर का हाफ़ करेंगे, यानी मेरे मेजरमेंट के हिसाब से ये 17 इंच है तो मैं 17 इंच पर मार्क कर रही हूँ। इसके बाद हमारी कमर की गोलाई का हाफ जितना भी होगा उससे हम 2 से 2.5 इंच कम ले लेंगे। तो मैं यहाँ पर 17 से 2 इंच कम लूँगी, यानी हमारा 15 इंच। तो 15 इंच की लेंथ पर मैं ये लास्टिक ले रही हूँ। तो इस तरह से आप अपने मेजरमेंट के हिसाब से कैनवास और लास्टिक कट कर सकते हैं। अब कैनवास लास्टिक को हम साइड में रखेंगे और ये जो हमारी 2 पट्टियाँ हैं पहले हम सेंटर निकाल लेंगे छोटी पट्टी का, क्योंकि सेंटर हमारा यहाँ इस तरह से आएगा यहाँ से। और ये साइड के जो हमने नॉचेस लगाए थे ये वाले, ये हमारे यहाँ पर आएंगे और इतने पार्ट में हम अपनी प्लेट्स बनाएंगे और इसी तरह से हमारा ये वाली साइड भी आएगी। सो बस अब हमने इन दोनों पट्टियों को जॉइन कर लेना है एक दूसरे के सिरे। सो यहाँ से 1/2 इंच का दबाव लेकर दोनों सिरों को सिल लेना है। सिलने के बाद ये कुछ इस तरह से रहेगा, ये देखिए। अब हमने फ्रंट वाली जो पट्टी है उसमें कैनवास आयरन करके पेस्ट करनी है। सो पेस्टिंग वाली साइड नीचे की तरफ रखेंगे और नीचे से 1/2 इंच आगे की तरफ निकाल कर यहाँ पर हमने आयरन कर लेनी है। सो आयरन करने के बाद ये देखिए बैक साइड का भी सेंटर निकाल लेंगे ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। यहाँ पर छोटा सा एक नॉच लगा लेंगे। अब ये नॉचेस एक दूसरे के सामने रखेंगे और जो हमारे मियानी वाला हिस्सा है यहाँ पर हम पिन लगाकर टक कर देंगे इस तरह से। अब ये वाली चीज़ जो है जहाँ पर हमारी कैनवास ख़त्म हो रही है वो ये साइड का जो नॉच था यहाँ पर, इसको हमने यहाँ लाकर पिन से टक कर देना है। अब इधर जितना एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसमें हमने प्लेट्स बनानी है और इसी तरह से ये वाली साइड भी हम पिन लगाकर टक कर देंगे। उसके बाद जो हमारा बैक का सेंटर था उसको हमने बैक वाली मियानी के सामने रखना है और वहाँ पर पिन लगा देनी है इस तरह से। अब पिन लगाने के बाद आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कितना हिस्सा बिल्कुल इक्वल है, यानी बेल्ट और शलवार का फैब्रिक बराबर है और ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है ये वाला, यहाँ पर हमने सिंपली अपनी प्लेट्स बनानी है। मार्जिन हम कैनवास से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो लेते हुए कवर करेंगे। तो पहले जहाँ तक हमारा सीधा फैब्रिक है उसको हमने स्टिच कर लेना है। ये बिल्कुल सीधी सीधी सिलाई होगी, बस यहाँ पर हमने सिलाई का जो दबाव लेना है वो ध्यान से लेना है, यानी 1/2 इंच। तो 1/2 इंच लेते हुए हमने ये बिल्कुल सीधी सीधी सिलाई कर ली है। उसके बाद हम यहाँ आ गए हैं जहाँ पर हमारा कैनवास स्टार्ट होता है, तो यहाँ आकर हमने सिलाई को एंड करना है। तो बस इस तरह से ये देखिए जितनी हमारी यहाँ ऊपर की तरफ एक्स्ट्रा है इसको कवर करते हुए सिलकर निकाल लेंगे। तो ये बैक साइड हमारी सिल चुकी है। अब हमने फ्रंट में ये प्लेट्स डालनी हैं, तो यहाँ मैं सेंटर से डालना स्टार्ट करूँगी। प्लेट्स देखिए कुछ इस तरह से रहेंगी, ये इतना सीधा रहेगा और बस यहाँ थोड़े से पोर्शन में 5 से 6 प्लेट आएंगी। तो पहले हम 2 से 2.5 इंच बिल्कुल सीधा सिलेंगे, उसके बाद हमने प्लेट बनाना स्टार्ट करना है। प्लेट्स का जो फेस रहेगा वो हम मियानी की तरफ करेंगे और इसकी जो चौड़ाई है वो मैं लगभग 1 से 1.75 इंच लूँगी। कैनवास के बराबर बराबर हमने सिलाई करनी है और आगे की तरफ प्लेट्स बनाना चालू रखना है। तो प्लेट्स की गहराई मैं 1 से 1.75 इंच ले रही हूँ और दूरी मैं 0.5 से 1.75 इंच का लूँगी। सो बस ये सिंपली आप चाहे तो पहले प्लेट्स डाल लीजिए, बाद में पीछे वाला यानी बिल्कुल सीधा वाला हिस्सा स्टिच कर लीजिए ताकि आपको आसानी रहे।
सो ये हमारा सिल चुका है। अब इसको हम आगे की तरफ सीधा स्टिच करके निकाल लेंगे। ये देखिए एक साइड में प्लेट डालने के बाद हमारी ये बेल्ट कुछ इस तरह से रहेगी। मेरी 5 प्लेट आई हैं और ये जो बेल्ट है ये बैक साइड में जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा हम यहाँ इस तरह से फोल्ड करके स्टिच करेंगे। अब दूसरी साइड में जो प्लेट हैं वो भी हम बिल्कुल इसी तरह से डालेंगे। इनका फेस भी हम मयानी के साइड में रखेंगे सभी प्लेट्स का इस तरह से। तो यहाँ भी मैं 5 प्लेट डालकर इसको कंप्लीट कर लूँगी। तो देखिए इस तरह से दोनों साइड में हमारी प्लेट्स डल चुकी हैं और प्लेट्स का जो फेस है वो एक दूसरे के अपोजिट है रॉन्ग साइड से। और ये हमारा जो बैक वाला पार्ट है बिल्कुल सीधा सीधा सिला है ये देखिए। अब हमने अपनी लास्टिक लेनी है और लास्टिक को जो कैनवास का सिरा है उसके ऊपर आधा इंच इस तरह से रखते हुए यहाँ पर सिलाई लगानी है। तो 3 से 4 सिलाई लगाकर हम इसको लॉक करेंगे। सो गाइज़ अगर आपने अभी तक ये वीडियो लाइक नहीं की है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सपोर्ट करें। अब देखिए हमने लास्टिक का जो दूसरा सिरा है वो कैनवास के दूसरे सिरे पर रखकर सिलना है यहाँ से, और इसको भी हम सिलाई लगाकर लॉक कर देंगे। अब यहाँ से जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है और धागे हैं वो अंदर की तरफ कवर करते हुए किनारी पर एक सिलाई लगानी है। सो पहले मैं कैनवास वाली साइड से स्टार्ट कर रही हूँ। यहाँ से फैब्रिक को अच्छे से खींचते हुए, लूज़ नहीं होना चाहिए। अब किनारे किनारे पर हमने सिलाई लगानी है इस तरह से, और ध्यान रहे जो हमारी कैनवास की किनारी है वहाँ पर कपड़ा बिल्कुल भी लूज़ नहीं होना चाहिए। सो जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है वो आगे की तरफ हम खींचेंगे और बस सिलाई लगानी है। तो सिलाई लगाने के बाद ये हमारा यहाँ पर लास्टिक वाला पोर्शन आ गया है। अब फैब्रिक तो यहाँ उतना ही फोल्ड होगा, बस सिलाई करते हुए ध्यान रखना है जो सिलाई है वो हमारी लास्टिक पर नहीं होनी चाहिए। हल्का सा बचाते हुए हमने लास्टिक को सिलाई लगानी है। तो बस इस तरह से पूरे नेफे को हमने सिलते जाना है। अगर आप बिगनर हैं तो लास्टिक को लगाते हुए किसी की हेल्प ले सकते हैं। सो यहाँ से जितनी भी लास्टिक है मैं आगे की तरफ खींच रही हूँ ताकि यहाँ जितना फैब्रिक है वो कवर होता जाए, और बस लास्टिक को हमने बचाया है हल्का सा और यहाँ से किनारे पर सिलाई लगा दी है। तो यहाँ आकर हमारा लास्टिक भी स्टिच हो चुकी है। अब ये गैदर्स को हमने इक्वल करना है और इसके सेंटर में सिलाई लगानी है। तो फिर से हम लास्टिक को और फैब्रिक को एक साथ खींचेंगे और सेंटर में इसके सिलाई लगा देंगे। इसके बाद जो हमारी कैनवास बेल्ट है उसकी किनारे पर भी हम एक पैर की दूरी पर सिलाई लगाएंगे यहाँ से। इसी के साथ शलवार की बेल्ट कंप्लीट हो चुकी है। ऊपर की साइड में देखिए मैंने एक पैर की सिलाई लगाई है। अब हमने साथ में इसकी मोरी भी बना ली थी, तो मोरी मैंने 1.5 इंच चौड़ी बनाई है। सिंपल सिंपल सी लाइनें बनाकर उसमें जिगजैग किया है। आप मोरी थोड़ा सा डिज़ाइनिंग में भी बना सकते हैं। अब हमने इस पर देखिए कुर्ती के फैब्रिक से ये पट्टियाँ लगानी हैं। तो ये पट्टियों की चौड़ाई मैंने 1.5 इंच ली है और लंबाई काफ़ी है, तो कम से कम 4-5 पट्टियाँ मैंने लंबी लंबी कट कर ली हैं जिनको हम दोनों पैंचों के ऊपर लगाएंगे। तो बस नीचे से ऊपर की तरफ मैं 3 इंच की दूरी लूँगी यहाँ से, और ये पट्टी दोनों साइड की किनारी फोल्ड करते हुए किनारे पर सिलाई लगा दूँगी। और इसी तरह से मैं ऊपर वाली पट्टी में भी 3 इंच का गैप लूँगी यहाँ से, और उस पर भी मैं यही पट्टी को दोनों तरफ से फोल्ड करते हुए ऐसे करके लगा दूँगी। सो यहाँ मैं 3 पट्टियाँ लगा रही हूँ, तो तीनों पट्टियों में 3-3 इंच का गैप दूँगी और इस तरह से ये स्टिच कर दूँगी। तो दोनों मोरी हमारी इसी तरह से तैयार होंगी। ये देखिए हमने अपनी शलवार में पट्टियाँ लगा ली हैं और गैप मैंने तीनों का 3-3 इंच दिया है। तो ये दोनों मोरी हमारी पट्टी लग के तैयार हो चुकी है। अब हमने इसकी इनर लेग में फिटिंग लगानी है। अब यहाँ से जितना भी हमने मोरी के लिए एक्स्ट्रा लिया था उसको कवर करते हुए सिलाई को आगे कंप्लीट कर देंगे। तो इसी के साथ हमारी पाकिस्तानी नैरो शलवार कंप्लीट हो चुकी है जिसमें हमने इस तरह से बेल्ट लगाई है। सो गाइज उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अब तक आपने इस वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर किया होगा। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं हमेशा इस तरह की वीडियो पोस्ट करती रहती हूँ। और अगर आप जानना चाहते हैं इस कुर्ती शलवार के साथ मैंने किस टाइप की कुर्ती बनाई है, सो उस कुर्ती का लिंक मैं यहाँ एंड स्क्रीन पर लगा रही हूँ। इस लिंक पर क्लिक करके आप पाकिस्तानी कुर्ती का ये डिज़ाइन देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।